बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अपने संसदीय क्षेत्र छतरपुर के खजुराहो पहुंचे, जहां उन्होंने सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर किसान आंदोलन के सहारे सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। बीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नगरीय चुनाव के लिए अभी से तैयारी शुरू करने की बात कही। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ किसान संगठनों के आंदोलन पर कहा कि सरकार ने साफ किया है कि किसानों की फसल पर MSP जारी रहेगी। वहीं उन्होंने राजनीतिक पार्टियों पर आरोप लगाया कि किसानों के आंदोलन के जरिए ये राजनीतिक दल केंद्र सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। उन्होंने प्रदेश में चल रहे अतिक्रमण अभियान को पूरे प्रदेश सहित खजुराहो में भी शुरू करने की बात कही। ये जो नीति बनी है और सरकार ने जो निर्णय लिया है वो देश के किसानों के हित में है। किसानों की आय दोगुनी से लेकर हर किसान के लिए जो MSP की बात जो लोग कर रहे हैं, बहुत क्लियर साफ कहा है कि MSP रहेगी 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 और किसानों को हर प्रकार की सुविधाएं और मिलेंगी। इससे ये तथाकथित राजनीतिक लोग हैं जो सरकार को जिस प्रकार से अस्थिरता लाने का जो प्रयास कर रहे हैं, दुर्भाग्यजनक है। और किसान भी आज मैंने टूरिज्म विभाग के लोगों को, कर्मस्व राजस्व के लोगों को, सबको बात की है कि किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं चलेगा। अगर कोई अतिक्रमण है तो उसको आइडेंटिफाई करके अतिक्रमण हटाने का काम सरकार करे और हमारा प्रशासन स्कूल के करे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा कि ईरानी डेरे को खाड़ करके फेंक दिया। 50 साल बेशकीमती जमीन अरबों रुपए की कब्जे जमाए हैं, ये नहीं चलेगा। कहीं भी हो, चाहे खजुराहो हो, चाहे राजनगर हो, चाहे कोई भी हो। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।